अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व्लॉग नंबर 49 और आज है 16 फेब। तो आज जो है वो केबल सेटअप की थी वो आपको दिखाता हूँ और फिर उसके बाद वीडियो में आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं, ये जो साइड वाली केबल है ये जो है वो उधर से कंप्यूटर से जो है वो हो के नीचे और फिर जो है वो यहाँ पे जो राउटर नीचे लगा हुआ था उधर जो है वो हो गई है। तो इससे जो है नेट का बड़ा फ़ायदा हो गया, तो नेट की जो है वो स्पीड कदरे बेहतर हो गई है। जो डिसकनेक्शन हो रही थी वाईफाई पे वो अब नहीं हो रही, तो अभी जो है वो बज गए हैं 4 और मैं जो है वो बस अभी फ्रेश अप होके तो हम चाय पीने लगा हूँ और फिर उसके बाद आज तो कोई ख़ास नहीं, तो आज इनडोर क्लास आपकी लेंगे, मतलब क्लास आपके साथ होगी। तो देखते हैं किस टॉपिक पे जो है वो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। कल कोई अच्छी टॉपिक पे ही करूँगा, तो अभी बाद में फिर बात होती है, मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ। तो अभी जो है वो शाम के हो गए हैं तकरीबन 6:15 और मैं नीचे जा रहा हूँ। आपको बाहर दिखाते हैं, क्या लॉक हो गया। मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो गया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस। अभी शाम के टाइम पे भी जो है वो इतनी ठंड नहीं होती जितनी पहले होती थी, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ये देखिए, शाम के वक्त आपको मैं अपना गार्डन दिखाता हूँ, रात के वक्त वैसे ये हमारा शाम का गार्डन है। लाइट्स मेरे ख्याल से शाम के वक्त जो है यहाँ पे वो बनाना चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए। देख सकते हैं ये स्पेशल लाइट्स जो है वो खरीदी हैं, दिन में तो आप देख चुके हैं। और ये जो है वो ऊपर हमारा लीची का दरख्त है जो कि हर साल फल देता है माशाल्लाह से, इस साल देखते हैं कितना फल निकलता है। तो आज की जो वीडियो है वो है कि हाउ टू फाइंड वीडियो आइडियाज। तो अभी आपको ऊपर चल के बताएंगे कि आप जो है वीडियो के आइडियाज कहाँ से ले सकते हैं। एक आजकल बड़ा ट्रेंडिंग चला हुआ है, वो जो मैंने भी बनाया है उस पर थोड़े बहुत अच्छे व्यूज़ मिले हैं। वायरल तो ऑब्वियसली नहीं हो सकी लेकिन व्यूज़ बेहतर हो गए हैं कुछ। तो आप अपने आइडियाज़ वीडियो किस तरह सर्च कर सकते हैं, या तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के साथ सर्च कर सकते हैं या फिर आप जो है वो यूट्यूब से ही सर्च, या ये आ गया, आप जो है वो इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। तो आपको ऊपर चल के बताते हैं कि जो है वो किस तरह सर्च कर सकते हैं। सो आपको जो है वो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपकी नीश क्या है। अब नीश क्या है कि एक स्पेशल सेगमेंट जिसके ऊपर आप जो है जिसको यूज करते हुए आप वीडियोस बनाना चाह रहे हैं। आज जैसा मैं व्लॉगिंग करता हूँ तो मेरी नीश जो है वो व्लॉगिंग है, लेकिन अगर आप जो है वो या कुकिंग है, सपोज जो मेरा दूसरा चैनल है कुकिंग का, तो वो मेरी एक नीश है कि जो है मैं कुकिंग वीडियोज ही बनाता हूँ। लेकिन अगर आप जो है वो डिफरेंट किस्म की वीडियोज बनाना चाह रहे हैं ऑन योर चैनल, तो आपको फिर भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आपकी स्पेशल सेगमेंट क्या है जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जैसा बहुत सारे लोग जो है वो टूल्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं, DIY के ऊपर बनाते हैं और ये सारा कुछ, तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपकी नीश क्या है। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा था, जो आपका टाइटल में भी देख सकेंगे कि आप हाउ टू नेवर रन आउट ऑफ आइडियाज। अब आप जो भी आपकी नीश है उसमें आप देखेंगे ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। ठीक है, आप गूगल पे जाएंगे और आप लेट सपोज DIY को देख रहे हैं, तो आप DIY पे देखेंगे कि ट्रेंडिंग क्या टॉपिक्स चल रहे हैं। जैसे अभी आजकल एक वो अभी तो पार्टी हो रही है वाला जो वो सिनारियो चल रहा है वो, ठीक है, वो ट्रेंडिंग पे था 2-3 दिन पहले, उसमें मैंने भी वीडियो बनाई, ठीक है, मुझे रेस्पेक्टेबल व्यूज़ मिले। तो आपको ये देखना है कि ट्रेंडिंग पे क्या चीज़ चल रही है, उससे आप जो है वो अपनी वीडियो के टैग्स ऐड कर सकते हैं और उसके टाइटल, डिस्क्रिप्शन और एवरीथिंग, मतलब उससे सारे रिलेटेड जो है वो ऐड कर सकते हैं। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा,
क्योंकि आप स्पेसिफिकली एक खास सेगमेंट के लोगों के लिए जो वो वीडियोस देखना चाहते हैं वो अपनी वीडियो आप बना रहे होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अक्सर का लोग ज़्यादातर लोग जो है वो सॉर्ट ऑफ रीयूज कॉन्टेंट जो है वो यूज़ करते हैं, मतलब लेट्स सपोज किसी ने वीडियो बनाई और इसी को दोबारा जो है वो वीडियो को दोबारा ठीक ठाक करके या उसको टेढ़ा मेढ़ा करके तो उसको आपने अपलोड कर दिया। इससे आपको वक्ती तौर पे तो फ़ायदा होगा लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको नुकसान होगा। तो इससे बेहतर है कि आप ऐसी वीडियो बनाएं, अक्सर अवकात मैंने ये भी देखा है कि बगैर वीडियो बनाए जो है वो आप यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो मज़ा आपका अपने कॉन्टेंट बनाने में है वो आप किसी और का कॉन्टेंट जो है वो यूज़ करने के बाद आपको मज़ा नहीं आएगा करने का। मतलब आप मुझे आदत होगी है अपना कंटेंट यूज़ करने बनाने की यूज़ करने की, कि मुझे दिल ही नहीं करता कि मैं किसी और का कंटेंट उठा के जो है वो अपने चैनल पे इस्तेमाल करूँ। मतलब ठीक है, अजीब सा लगता है, मतलब आपको एक सॉर्ट ऑफ मेंटल सेटिस्फेक्शन और इनर सेटिस्फेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, जो भी चैनल पर आप वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं, आइडेंटिफाई करें कि आप क्या वो मतलब क्या आपकी नीश क्या है। नीश से जो है वो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब व्लॉगिंग जो चैनल होता है उस पर आप बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, जैसे ट्रैवल व्लॉग्स हैं, व्लॉग रेगुलर व्लॉग्स हैं, रूटीन वीडियोस हैं और ये सारा कुछ। इवन आप रिव्यूज़ पे रिव्यूज़ भी कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनके जो है वो रिव्यूज़ मोर देन 500 व्यूज़, मोर देन 1000 व्यूज़, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ, मतलब ऑब्वियसली वीडियो इज़ ऑल अबाउट टेलिंग अ स्टोरी, तो हाउ यू टेल योर स्टोरी, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग हो कि लोग आपकी वीडियो को देखें, ठीक है। और दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, ये मेरा ओपिनियन था। मोस्ट ऑफ द वीडियोस आर माय ओपिनियन, दे आर नॉट फ्रॉम एनीवन एल्सेस कंटेंट। तो ये मेरी अपनी ओपिनियन थी कि आप अपनी नीश आइडेंटिफाई करें, ऑल्दो के बहुत सारे यूट्यूबर्स भी यही कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप उस नीश में रहते हुए किस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं ये आपके ऊपर है। अभी जैसा मैं एक चैनल स्टार्ट करना चाह रहा हूँ DIY के ऊपर, अब उसके ऊपर पहले मुझे अपना होमवर्क करना पड़ेगा कि मैं किस तरह की वीडियोस उस पर डालना चाहूँगा, और फिर उसके बाद जो है वो मैं उसको देख सकता हूँ कि क्या इस किस्म की वीडियोस जो है वो चल सकती हैं। और दूसरा ये है कि जैसा मेरे पास ट्यूब बडी है, तो मैं ट्यूब बडी से भी जो है वो कीवर्ड्स एक्सप्लोर कर लेता हूँ कि जो है वो कौन से मेजर कीवर्ड्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कीवर्ड्स जो है वो कहाँ से उठाते हैं, लेकिन मैं ट्यूब बडी से उठाता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। 2500 टारगेट है इस मंथ का, अभी भी 12 दिन बाकी हैं, आज 16 तारीख होगी, 12 दिन बाकी हैं। तो लेट्स मेक इट 2500 इंशाल्लाह। आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए, दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।